अकेला बिजनेस है जो लिस्ट होने जा रहा है आ, ये कंपनी बेसिकली एयर एयरपोर्ट्स पर लाउंज सर्विसेज देने का कारोबार करती है अपने कारोबार में मार्केट लीडर नहीं है लीडर नहीं मार्केट शेयर होना कम नहीं है, है। इंडिया में और अब इंडिया के बाहर भी एक्सपानशन कर रहे हैं तो है। बिजनेस मॉडल प्रोमोटर्स एक्सपीरियंसड है जानते हैं समझते हैं बिजनेस को हमने राय यह दी थी कि लिस्टिंग एम्स के लिहाज से में पैसा लगाया उसकी वजह यह थी कि थोड़ा वेल्यूशन के लिहाज से हमें महंगा दिख रहा था आ, मतलब इन द सेंस की नए जमाने का बिजनेस अकेला है तो वो एक प्रीमियम तो रहनी रहने वाली है सो आई थिंक महंगा था महंगा महंगा ही रहेगा और जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला वो लाजवाब था तीनों ही कैटेगरी में क्यू आई डी से लेकर रिटेल में सबने काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मुझे लगता है एक दमदार लिस्टिंग होनी चाहिए चार सौ पचहत्तर पांच सौ रुपए के आसपास ये स्टॉक लिस्ट होना चाहिए इश्यू प्राइस तीन सौ छब्बीस रूपये थी तो काफी बेहतर लिस्ट पचास परसेंट से ज्यादा के गेंस के साथ लिस्ट होकर वहां से भी और बढ़े तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा और इसका सीधा फॉर्मूला ये है

जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें और अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो भी आप एक सुटेबल लॉस रख के रख लीजिए तो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छी दमदार लिस्टिंग होगी आज अच्छी दमदार लिस्टिंग चलिए तो नजर है ड्रीम फोक्स बढ़िया लिस्टिंग होने वाली है आईपीओस टाइम के समय सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिला था अब देखते हैं यहाँ से आपको परफॉर्मेंस कैसी आती हुई